Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप? Critical view of identity, उसको हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। Critical view basically Marxism के साथ related है। जब हम Marxism की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये economy या मुआशियात की बात हो रही है। So critical view कहता है कि identity basically दो हिस्सों में divided है, अमीर और गरीब, सोशल जस्टिस और सोशल इनजस्टिस। जब हर कोई भी अगर आपने आइडेंटिटी का ग्रुप लेना है और उसमें आपने ध्यान ये रखना है कि उनके साथ जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा, और उनका जो मौशी तौर पे उनका जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, क्या वो ग्रुप अमीर है या वो गरीब है। मीन्स आइडेंटिटी को वो लिंक करते हैं इकोनॉमी के साथ, और इकोनॉमी में उनके नज़दीक दो ही ग्रुप्स हैं, एक अमीर का और एक गरीब का। आइडेंटिटी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थैंक यू।